भावों में कैसे हम जीवन उत्पादक विचारों को रखें, उन्हें समझने का और उन सभी भावों से युक्त होकर के आज का यह कार्यक्रम आप सभी के बीच में। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच जुड़ रहे हैं आदरणीय अनिल राजभर सर, श्रम एवं रोजगार मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। हमारे कार्यक्रम के आज प्रोग्राम चेयरपर्सन के रूप में हमारे बीच जुड़ रहे हैं प्रोफेसर योगेश चंद दुबे सर, कुलपति जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट। आज हमारे बीच पैट्रांस के रूप में अपना आशीर्वचन हमें प्रदान कर रही हैं आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैम, निदेशिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली। इस कार्यक्रम में अपने निर्देशन को और कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा को स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण निर्देशन प्रदान कर रहे हैं हमारे कन्वेनर आदरणीय रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। आज के इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में हमारे बीच जुड़ रहे हैं आदरणीय राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ। असंपूर्ण कार्यक्रम को कोऑर्डिनेशन की तरफ ले चल रहे हैं श्री सूर्य प्रकाश मिश्र जी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट। आज के इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री अमित कुमार सर, ओटी श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ, श्री उदय प्रताप सिंह सर, ईसीएससी टीचर सीआरसी लखनऊ। प्यारे साथियों, आज का यह कार्यक्रम वैशिष्टता, विधियोता एवं अपने बहुमुखिकता की तरफ अग्रसित होने के भाव को लेकर के आज अग्रमुख हो रहा है। आज यह कार्यक्रम एक ऐसे पक्ष की तरफ चलेगा जिसमें हम जानेंगे कि संघर्ष की वह कौन सी परिणतियां हैं, संघर्ष के वो कौन से पल है और संघर्ष की वो कौन सी पराकाष्ठा है जिस पर चलकर मनुष्य श्रेष्ठताओं की रचना करता है। संघर्ष के कौन से दिग्बृंद हैं जिनको पालित करके हम जीवन के उन आयामों को प्राप्त करते हैं जो एक दिन वंदनीय और अभिनंदनीय होते। सीआरसी लखनऊ निरंतरता के साथ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर मर्मज्ञता के साथ विधिवत भावों में आप सभी के बीच विद्वत्तजनों को लाने और उनकी विद्वत्ता से सभी को परिचित करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहा है। आज जो दो संस्थाएं हमारे बीच में अपना महत्वपूर्ण भाव दे रही हैं, उसमें जिस विश्वविद्यालय का स्वरूप लेकर के हम सभी आज अग्रमुख हो रहे हैं, वह एशिया का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूर्णतया दिव्यांगजनों के लिए विशेष विश्वविद्यालय के रूप में अपनी सेवाओं को पूरी तन्मयता के साथ प्रदान कर रहा है। अन्य दिव्यांगजनों के लिए ऐसे सुअवसरों की रचना कर रहा है जिसमें अंतिम पायदान पर बैठे हुए विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के लिए एक सृष्टवत समाज की, सृष्टवत भाव की और सृष्टवत पराकाष्ठा की रचना को सुनिश्चित किया जा सके। इन सभी बिंदुओं को लेकर के आज का यह पक्ष अग्रमुख है। इन सभी भावों को लेकर के आज का यह पक्ष अग्रगामी है और यह पक्ष है एक ऐसे बिंदुवत भाव का, यह पक्ष है एक ऐसे बिंदुवत बिंदु का जिसमें अग्रिम सीमा पर बढ़ते हुए हम सभी आज विश्व की अद्वितीय महिला के बारे में जानेंगे, समझेंगे। पराकाष्ठा हो और पराकाष्ठा में श्रेष्ठता हो, समस्या हो और समस्या के समक्ष खड़े होकर के अपनी उपस्थिति को लगाना हो, तो सर्वप्रथम विश्व की सबसे विख्यात प्यारी बिटिया हेलेन केलर का नाम आता है जिसने संघर्ष को ही अपने जीवन का मुख्य बिंदु बनाया, जिसने जीवन के उस बिंदु को प्राप्त किया जिसमें हम निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हुए
अपने मनोभावों को प्राप्त करने और स्वस्थताओं की रचना करने के लिए सदा प्रयासरत रहते। यह अवसर रहता है कि ऐसी दिव्य मूर्तियों को आज हम सभी हेलन केलर के डे पर सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे। उनके अद्वितीय क्षमताओं से युक्त होंगे, उनके मनोभावों से युक्त होंगे और उनके विचारों को, उनके भावों को, उनकी बताई हुई शिक्षाओं को तथा उनके जीवन में रहे संघर्षों को आज हम सभी प्राप्त करके अंतर्मुख होंगे। आज जानने, समझने और आह्लादित होकर के विकासात्मक पक्ष में बढ़ने का दिवस है और इस दिवस पर हमारे बीच जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के परम आदरणीय वाइस चांसलर सर, आदरणीय प्रोफेसर योगेश चंद दुबे सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं सर को सादर प्रणाम करता हूं और इस पटल पर संपूर्ण सीआरसी परिवार की तरफ से एवं जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से सर का इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच सीआरसी लखनऊ के निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर जुड़ चुके हैं। मैं सर को सादर प्रणाम करता हूँ और दोनों संस्थानों की आयोजन टीम की तरफ से सर का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज दो कर्तव्यता में लगे हुए सृष्टोत्त दिव्यांगजनों हेत अपने अनुभवों को, क्रियाओं को प्रदान करने वाली संस्थानों के श्रेष्ठ जनों को भी सुनने का अवसर होगा और अवसर होगा विद्वत्ता की सृष्टोत्त मूर्ति को समझने, जानने और पहचानने का। तो सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम की प्रथम पंक्ति में सीआरसी लखनऊ के निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर को सादर आमंत्रित करता हूँ कि सर आ जाए और आज के इस अवसर पर अपना आशीर्वचन हमारे बीच रखें। आदरणीय कुलपति सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं, आदरणीय निदेशक सर। पांडे जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हमारे मुख्य अतिथि के जुड़ने में टाइम है या जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, पांडे जी क्या स्थिति है? और कुछ ही क्षणों में सर हमारे बीच में जुड़ जाएंगे। अभी हुई वार्ता क्रम में उन्होंने कहा कि बस थोड़ी ही देर में वो जुड़ रहे हैं। और वाइस चांसलर साहब जुड़ गए हैं? जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सबसे पहले आज हेलन केलर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सबको, जो भी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सबको शुभकामनाएं। आज के हमारे मुख्य अतिथि, जैसा बताया गया है कि अभी थोड़ी देर में ही हम सबसे जुड़ेंगे, श्री अनिल राजभर जी जो कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे गुरुजी प्रोफेसर योगेश चंद्र दुबे सर, माननीय कुलपति जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग जन यूनिवर्सिटी चित्रकूट। आज के कार्यक्रम के हमारे स्पीकर राजीव रंजन जी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग जन विश्वविद्यालय के सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स अमित जी, विकास जी आप सबसे समन्वय स्थापित कर रहे हैं, नागेश पांडे जी और उदय प्रताप जी। मैं सबसे पहले इस बहुत महत्वपूर्ण दिवस पर सीआरसी लखनऊ के इस एंडेवर के साथ, हेलन केलर जन्मदिवस पर आयोजित इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका विषय है कि बधिरांग जनों में संप्रेषण क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे विकसित किया जाए और फिर उनका समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में समावेशन कैसा किया जाए, इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हमसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, हमसे पार्टनरशिप करने के लिए, हमसे कोलैबोरेट करने के लिए मैं जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग जन विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जो कि हम लोगों से जुड़े हुए हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ।
आज के हमारे मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आपका भी सर अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनके जो भी प्रतिनिधि जुड़े हों हमारे मंत्रालय की तरफ से और हमारे संपूर्ण सीआरसी लखनऊ परिवार की तरफ से आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी पार्टिसिपेंट इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे मंत्रालय की तरफ से, हमारे सीआरसी की तरफ से। ये हेलन केलर का दिवस हर साल हम लोग 27 जून को मनाते हैं और हेलन केलर की जीवनी के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, जो कि खुद एक बधिरांध औरत थी और बधिरांधता के बावजूद ये एक ऐसी कंडीशन है जिनको एक साथ दिखाई भी ना दे और सुनाई भी ना दे, तो बधिरांधता जैसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए, ऐसे कठिन डिसेबिलिटी का सामना करते हुए इतने साल पहले उन्होंने समाज में एक कीर्तिमान स्थापित किया, खुद को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया और आज पूरी दुनिया में बधिरांधता से ग्रसित दिव्यांग हजारों दिव्यांगजन शिक्षा के, रोजगार के, समाज के मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। ये जो अलख जगाई ये हेलन केलर मैडम ने ही जगाई और आज उसको अनुसरित करते हुए उनके द्वारा बताई गई बातों से, उनके द्वारा दिए गए टीचिंग मेथड से, उनके द्वारा दिए गए अलग अलग बधिरांधजनों के लिए मेथडोलॉजी से हम सब लोग सीख कर, और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी है डेफ ब्लाइंडनेस, इस पर हम लोग काम करते हैं और भारत सरकार ने भी एक बहुत अच्छा निर्णय लेते हुए 2016 के RPWD एक्ट में मल्टीपल डिसेबिलिटी को इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस को इंक्लूड किया, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी के नॉर्म्स बने हैं, उनके लिए अलग अलग तरीके के प्रोविजंस रखे गए हैं जो कि एक वेलकमिंग स्टेप है। और आजकल प्रोफेशनल्स जो हम सब लोग डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ज्यादातर प्रोफेशनल्स सिंगल डिसेबिलिटी में स्पेशलाइज हो रहे हैं, सिंगल डिसेबिलिटी में डिग्री डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज कर रहे हैं। इसीलिए हम सबको भारत की इकोनॉमिक कैपेसिटी को देखते हुए क्रॉस डिसेबिलिटी और मल्टी डिसेबिलिटी में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो वक्ता हैं वो इस टॉपिक पे पूरे जो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कि बधिरांधजनों की संप्रेषण क्षमता को विकसित कैसे किया जाए और उनको समावेशी शिक्षा के साथ, समावेशी समाज के साथ कैसे उनको प्रोडक्टिव तरीके से जोड़ा जाए, इस पर वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं फिर से, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने गुरुजन जो भी जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांगजन विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं उन सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। परम आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश चंद दुबे जी का फिर से अपने मंत्रालय की तरफ से, अपने सीआरसी परिवार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से पुनः स्वागत करता हूं। अपने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सीआरसी के साथ इस कार्यक्रम का समन्वय स्थापित किया, और हमारे कोऑर्डिनेटर्स और दूसरे सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, उन सबका स्वागत करते हुए इस बहुत महत्वपूर्ण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आप सबको इस कार्यक्रम की सफलता की भी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा सर ने बताया कि हमारे बीच आज के कार्यक्रम की चेयरपर्सन परमादरणीय प्रोफेसर योगेश चंद दुबे सर, कुलपति जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, एक अभिभावक के रूप में और एक ऐसे स्वरूप में हमारे बीच जुड़े हैं जो इस विशेष शिक्षा की लौ को उत्तर प्रदेश में एक विशेष क्रांति की तरफ ले जाने के लिए एशिया की सर्वश्रेष्ठ और अपने में एक भिन्नात्मक क्षमताओं से युक्तता को धारित करने वाले विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के स्थापना से लेकर के और विश्वविद्यालय के इस बृहद स्वरूप जो आप सबके समक्ष दिखाई दे रहा है, उन सभी स्वरूपों को आपके द्वारा एक एक पंक्तिबद्ध करके कैसे सजाया गया, सवारा गया और कैसे गतिमान किया गया,
यह हम सभी के समक्ष एक बृहद उदाहरण के रूप में इस दुनिया के विद्वत्त जनों में अपनी अद्वितीय क्षमता से युक्त परम आदरणीय जगतगुरु राम भद्राचार्य जी के आशीर्वचनों को प्राप्त करते हुए, उनके मिले निर्देशों को प्राप्त करते हुए और एक निष्ठावान पुत्र की भांत, एक निष्ठावान भाव की भांत आपके आपने जैसे विश्वविद्यालय की रचना को संकल्पित किया, स्थापित किया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अदम्य उदाहरण होगा। आपको सादर आमंत्रित करता हूं गुरुदेव, आप आए और आज के इस विशिष्ट अवसर पर अपना आशीर्वचन हमारे बीच रखें। परम आदरणीय प्रोफेसर योगेश चंद दुबे सर। जी, मेरी आवाज आज जा रही है? जी जी सर। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय विधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रोदयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने सर्वस्वं मे रामचंद्रोदयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में कोटिशः नमन करते हुए दिव्यांग मानवता के लिए भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में और यूं कहिए कि आधुनिक विश्व पटल में एक मसीहा के रूप में जिन्होंने अपनी एक अपने एक स्वरूप को विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठापित किया है, ऐसे विश्व की विलक्षण विभूति और विश्व के प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत पूज्यपाद गुरुदेव के श्री चरणों में भी नमन करता हूं। आज हेलन केलर डे के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर दिव्यांगों के विशेष करके मल्टी डिसिपल के लिए, विशेष करके मूक बधिर और दृष्टिबाधित के लिए जो एक माइलस्टोन के रूप में हेलन केलर डे जी, हेलन केलर इस विश्व में अपने को प्रतिष्ठापित की, अपने संघर्षों के द्वारा अपने को प्रतिष्ठापित की, निस्संदेह उनका जीवन संघर्ष आने वाली सतत युगों तक दिव्यांग मानवता के लिए एक प्रेरक प्रसंग है, प्रेरक स्वरूप है, प्रेरक जीवन है। ऐसा ही कुछ विलक्षण व्यक्तित्व भारतवर्ष की इस पावन माटी पर पूज्यपाद जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी का है, जिन्होंने दिव्यांग मानवता के लिए एक ऐसी मिसाल कायम कर दी इस भारतवर्ष में, इस चित्रकूट की धरती पर, इस उत्तर प्रदेश की धरती पर, जो सर्वप्रथम इस धरा पर पहली बार उनकी मनीषा का चिंतन रहा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि न जाने कितने लोग इस भारतवर्ष में धन कुबेर हुए, कितने लोग राष्ट्राध्यक्ष हुए, कितने लोग समाज सेवी हुए, कितने संत हुए और कितने दिव्यांग संत भी हुए।
लेकिन किसी ने भी इस तरीके का चिंतन नहीं किया कि दिव्यांगों को जैसे हम अपने सकलांग बच्चों को उनको पूर्ण शिक्षा दे करके, उच्च शिक्षा दे करके, विविध प्रकार की तकनीकी शिक्षा दे करके समाज एवं राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं, उसी तरीके से दिव्यांगों को भी उच्च शिक्षा के माध्यम से कैसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, प्रथम बार इस चिंतन को लेकर के पूज्यपाद जगतगुरु जी ने जिस तरीके की प्रतिष्ठापना की वह विश्व में पहली बार हुआ, न केवल प्रदेश में, न केवल देश में, अपितु विश्व में पहली बार इस तरीके का सराहनीय कदम उठाया गया, जो आज हम सब के लिए, पूरे दिव्यांग मानवता के लिए और सकलांग मानवता के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। आज हेलन केलर जी के जन्म दिवस के अवसर पर जहां हम हेलन केलर जी को स्मरण कर रहे हैं, उनकी परिस्थितियों को, उनके जीवन के संघर्ष को, वहीं पूज्यपाद जगतगुरु जी के जीवन संघर्षों को भी मैं व्यक्तिगत रूप से स्मरण करके भावुक हो जाता हूं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी विविध प्रकार के संघर्षों और झंझावातों की परिस्थितियों में अपने को निखारते हुए, अपनी प्रतिभा को निखारते हुए कैसे समाज एवं राष्ट्र के बीच अपने को उपस्थापित करके इस तरीके की दिव्यांग मानवता के लिए एक उच्च शिक्षा का प्रकल्प प्रतिष्ठापित किया। ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनके साथ, उनके श्री चरणों में बैठ करके इस महासंकल्प में एक सहयोगी बन सके और आद्यंत उसमें लगे हैं, और यही सुख और सौभाग्य है। और उससे भी अधिक सुख और सौभाग्य आप लोगों के बीच मिलकर के होता है जब लगता है कि हमारा विश्वविद्यालय यदि न होता तो डॉक्टर रमेश पांडे डायरेक्टर CRC लखनऊ न होते, हमारा विश्वविद्यालय न होता तो डॉक्टर नागेंद्र पांडे असिस्टेंट प्रोफेसर न होते, हमारा विश्वविद्यालय न होता तो हमारे विश्वविद्यालय का जनसंपर्क अधिकारी श्री सूर्य प्रकाश मिश्र जी न होते जो आज इन सब सारे लोग ये पटल से जुड़े हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि उस विश्वविद्यालय की ये प्रतिभाएं आज देश को और पूरे यूं कहिए कि पूरे देश प्रदेश के दिव्यांग मानवता के लिए जिस तरीके से अहर्निश काम कर रहे हैं, इस पटल पर आप जुड़े हुए हैं, यह मेरा सौभाग्य है। मैं गौरवान्वित हो जाता हूं आप लोगों को देख करके, आप लोगों को सुन करके और आप लोगों के कार्यों को सुन करके मन ही मन गदगद होता हूं, सराहता हूं कि धन्य है गुरुदेव भगवान जिन्होंने इस तरीके का प्रकल्प न स्थापित किया होता तो आज दिव्यांगों के लिए इस तरीके के स्रोत न निकलते, दिव्यांग मानवता की सहयोग में उनके साथ समानुभूति में ऐसे ऐसे विद्यार्थी और ऐसे संरक्षक जो दिव्यांगों के हैं वो आज न निकलते। इस पटल पर जुड़े हम अन्य लोगों के प्रति बड़े ही भाव से उनका उनका नामोच्चारण करना चाहता हूं। जैसे हमारे CRC लखनऊ के ही असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव रंजन जी हैं, हमारे विकास मिश्रा जी हैं, हमारे उदय प्रताप सिंह जी हैं, हमारे अमित कुमार जी हैं, और फिर हमारे जो पूर्व के हमारे दिव्यांग कल्याण विभाग के मंत्री रहे हैं माननीय श्री अनिल राजभर जी, जो आज श्रम एवं लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो आज इस पटल पर जुड़ रहे हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, फिलहाल वो जुड़ेंगे। लेकिन यह मेरा सौभाग्य है कि अनिल राजभर जी जो हमारे विश्वविद्यालय के और विशेष करके दिव्यांगों के प्रति उनका हर समय समर्पण रहा है, उनके साथ जुड़ करके हमने भी बहुत सारे कार्य किए हैं विश्वविद्यालय के लिए। मैं उनके प्रति अपने भाव व्यक्त करता हूं कि आप चूंकि दिव्यांग जनों के साथ काम किए हुए हैं और पूर्व में दिव्यांग जन के विभाग के मंत्री रहे हैं,
आज भले ही आप लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन सदैव पूर्व की तरह आज जैसे डॉक्टर रमेश पांडे जी ने सीआरसी लखनऊ ने आपको आमंत्रित किया है, तो आप आमंत्रित करने पर निरंतर इस इन दिव्यांगों के इन कार्यों के साथ जुड़ करके इनका उत्साह वर्धन करते रहें और इनको हर समय मनोबल देते रहें, क्योंकि हम आपको उसी रूप में अधिक जानते हैं, इस नवीन रूप में तो कम जानते हैं, और मूलतः आपकी भावनाएं भी दिव्यांगों के प्रति है। तो आइए हम कुछ चर्चाएं करें आप सभी लोगों के बीच। रमेश पांडे जी ने जैसा कहा कि हमारे गुरुदेव, तो अब लगता है कि मुझे आज यहाँ अपनी कक्षा में मैं अपनी कक्षा में बैठा हूँ, खड़ा हूँ कुछ अपने बातें शेयर करने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ चर्चा करने। यद्यपि आप लोग इस फील्ड में काम करते करते इतना अधिक परिपक्व और इतने अधिक कार्यकुशल हो चुके हैं कि हमें किसी चीज को बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब स्थिति ये आ गई है कि आप लोगों से कुछ जानने और सीखने की स्थिति धीरे धीरे बन रही है, क्योंकि आप दिव्यांग मानवता के लिए नित नवीन कुछ न कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ नई चीजें ला रहे हैं, कुछ नया कार्य कर रहे हैं। अभी डॉक्टर रमेश पांडे जी के पूर्व स्थान गोरखपुर में मुझे जाने का अवसर मिला, तो वहां जाकर के मैंने देखा कि रमेश जी ने कितना व्यापक उसका वहां एक सीआरसी गोरखपुर को स्थान दिया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि इसी संदर्भ में दिव्यांगों की ही बात को लेकर के मुझे नेपाल जाना हुआ, काठमांडू जाना हुआ, और वहां भी मैं दिव्यांग मानवता के कल्याण के लिए वहां जो पूज्य गुरुदेव का संदेश है, पूज्य गुरुदेव का जो भाव है कि पूरे विश्व के दिव्यांग उनके उनके अपने हैं, उनके लिए कुछ भी करेंगे, इसी भाव में मैं एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गया था। लेकिन वहां मैं चूंकि दिव्यांग विश्वविद्यालय का कुलपति हूं, इस कारण वहां के लोग, वहां के शिक्षाविद पूरे नेपाल के दिव्यांग मानवता के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए अपनी बहुत सारी बैठकें हमारे साथ की, बहुत सारी चर्चाएं हुई। और आप लोगों को इस पटल से बता देना चाहता हूं कि नेपाल में पूज्य गुरुदेव की भावना का हम अलग जगह आए हैं, और यहां तक वो अलग जग गया है कि अब वो लोग दिव्यांग विश्वविद्यालय की तरफ अपना रुख बढ़ा दिए हैं। अभी पूज्यपाद गुरुदेव से इस संदर्भ में चर्चा होगी कि किस तरीके से नेपाल के दिव्यांग बच्चों को हम आगे उच्च शिक्षा में प्रशिक्षित करें, जिसमें गोरखपुर का विशेष सहयोग हमें लेना होगा, गोरखपुर सीआरसी का और लखनऊ सीआरसी का। तो ये सब बातें अलग हैं, लेकिन एक प्रसंग जो आप बता रहे हैं कि दिव्यांगों को किस तरीके से समावेशी बनाया जाए, हमने तो जो पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना रही, शुरू से इसके लिए संघर्ष किया, संघर्ष ये किया कि हम समावेशी शिक्षा के एक तरीके से है नहीं, हम दूसरी तरफ से दूसरे एंगल से समावेशी शिक्षा में आ रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो हम समावेशी शिक्षा को नहीं चला रहे हैं, एकांगी शिक्षा को चला रहे हैं, जो दिव्यांगों को एक स्थान पर हम शिक्षा दे रहे हैं, उच्च शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन उसके पीछे हमारा यही तथ्य था, यही तर्क था कि हम दिव्यांगों को जिस तरीके से हायर सेकेंडरी लेवल तक एकल शिक्षा देते हैं, उसी तरीके से चूंकि इनकी उपेक्षा समाज में, परिवार में और भी जहां सकलांगों का शिक्षालय है उसमें भी इनको एक उपेक्षा का वातावरण देखना पड़ता है, इसलिए पूज्य गुरुदेव ने इस भावना को लेकर के दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की कि मैं केवल इन दिव्यांगों को इकट्ठे अकेले इन्हें उच्च शिक्षा दे करके इस तरीके से बना दूंगा, इस तरीके से इन्हें शिक्षित प्रशिक्षित कर दूंगा कि ये फिर शिक्षित प्रशिक्षित होकर के सीधे समाज में जाएंगे और समाज उनको स्वीकार करेगा
राष्ट्र उनको स्वीकार करेगा। इसी भावना के फलस्वरूप अपने विश्वविद्यालय में हमने दिव्यांगों को शिक्षार्जन दिया और ये आज गर्व की बात है कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, हमारे जीवन पर्यंत कुलाधिपति जी के आशीर्वाद से आज हमारे विश्वविद्यालय का शिक्षित प्रशिक्षित छात्र कोई भी रोजगारहीन नहीं है, अर्थात सभी रोजगार युक्त हैं। यूं कहिए कि हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है। हमारे यहाँ का बच्चा जो भी ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, जो भी कोर्सेज किया, वो कहीं ना कहीं रोजगार में है और रोजगार में हो करके उसने अपने जीवन की दिशा और दशा सब सुधार ली और समाज में वो अब प्रतिष्ठित हो गया है और राष्ट्र की मुख्य धारा में से जुड़ गया है। एक संदर्भ हम डफ बच्चों के विषय में आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि जब विश्वविद्यालय खुला तो प्रारंभिक क्षणों में हमारे जो दृष्टिबाधित बच्चे थे उनके लिए तो बात स्पष्ट थी कि ये ब्रेल लिपि में अपना लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, सारे इनके पास संसाधन थे और इनको हर कोर्सेज में, हर पाठ्यक्रम में हम स्थान दे सकते थे। लेकिन जो मूक बधिर बच्चे थे उनके लिए हमारे पास थोड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी कि हम इनको कैसे, चाहे वो बीसीए हो, एमसीए हो, प्रारंभिक स्टेज की बात कर रहा हूँ, आज तो हम धारा में सब चल रहा है, और एमबीए हो या बीए में की कक्षाओं में कैसे ले चलें। तो एक कठिनाई सी आई, पूज्य गुरुदेव से इस संदर्भ में चर्चा हुई, उससे उन्होंने कहा कि चलो धीरे धीरे प्रयास करो इनको, लेकिन इनके लिए एक दिशा तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं कि जो कलात्मकता इनमें होगी तो इनको फाइन आर्ट और ड्राइंग, पेंटिंग जैसे विषयों की तरफ ले चलो। हुआ ये कि चाहे उनका भाव रहा हो, चाहे आशीर्वाद रहा हो, हमने स्पेशली इनके साथ ये किया कि इन बच्चों को जो मूक बधिर बच्चे हैं उनको मैंने कहा कि काउंसलिंग करके कि इनको हम फाइन आर्ट और ड्राइंग पेंटिंग बीए में एक विषय दे दिया और फाइन आर्ट की अगर अलग फैकल्टी खोल दी। आप लोग इस बात को जान करके आपको सुखद आश्चर्य होगा कि आज हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में जो मूक बधिर बच्चे बच्चियाँ हैं वो अधिकांश सब फाइन आर्ट में हैं, बीएफए कर रहे हैं, एमएफए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और सारे बच्चे यहाँ से निकल करके खूब रोजगार पा रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि एक बच्ची तो बिहार में पटना में वो ब्रांड एम्बेसडर बनी चुनाव में, और हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ इनकी पेंटिंग आपके लखनऊ में ही कई बार आयोजन हुआ जिसमें माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हें प्रथम स्थान देने के साथ साथ इनकी पेंटिंग्स भी खरीद ली और इसी तरीके की नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे ये डफ बच्चों की जो प्रतियोगिताएं हुई, मूक बधिर बच्चों की जो प्रतियोगिताएं हुई उनमें इन्होंने अपना करिश्मा दिखाया। आज जो हेलन केलर जी का जीवन है उस जीवन से हम सीख केवल दिव्यांग बच्चों को ही नहीं लेना है, उनसे सीख हम सबको लेना है कि दिव्यांगता की ऐसी मल्टी डिसेबल परिस्थिति में हेलन केलर जी ने जिस तरीके से, जिस अदम्य साहस से, जिस अदम्य दृढ़ संकल्प से, जिस संघर्षशीलता के साथ पूरे जीवन के अपने दिव्यांगता के आयाम को एक ऐसी दिशा दे दी जो आज विश्व पटल पर भूतों भविष्य जैसी स्थिति हो गई है, उस जीवन से हम सभी दिव्यांग, जो सभी प्रकार के दिव्यांग हैं हमारे संपर्क में हैं, उनको हेलन केलर जी के जीवन को जरूर बताना चाहिए, जरूर सिखाना चाहिए, उनको निरंतर इस बात का स्मरण कराना चाहिए कि हेलन केलर जी इस जिस परिस्थिति में हैं वो उस परिस्थिति में तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ तो केवल एक दिव्यांगता है। किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को ये समझाना चाहिए कि हेलन केलर जी के पास इतने प्रकार की दिव्यांगता थी, तुम्हारे पास तो केवल एक प्रकार,
और इसी तरीके से मूक बधिर बच्चों को तो, और इसी तरीके से आर्थो को भी या जितने भी मल्टी डिसेबल हैं उनको भी ये बताना चाहिए कि हेलन केलर जी के जीवन संघर्ष को देखो, उनके जीवन को देखो और उनसे प्रेरणा लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। वास्तव में उस जीवन से तो सकलांगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो सकलांग जो जिनके पास ईश्वर ने सारे अंग दिए हैं, सब कुछ कर सकने की स्थिति में है, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, भूखे बैठे भीख मांग रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आलस्य और प्रमाद में भरे पड़े हैं या कुछ गलत दिशा में गए हुए हैं, ऐसे सब लोगों के लिए वो प्रेरणास्पद जीवन है हेलन केलर जी का। और दिव्यांगों के लिए तो उससे बड़ा दृष्टांत क्या है, उससे बड़ा दृष्टांत कि जो मल्टी डिसेबल हेलन केलर जी का जीवन रहा है वो सारे दिव्यांगों के लिए एक ऐसा प्रेरणास्पद है, वो लेकर के उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में इस तरीके से संघर्ष करके अपने को निकालें, अपने को शिक्षित करें, अपने को प्रशिक्षित करें कि समाज एवं राष्ट्र में उसी तरीके से वे भी एक स्तंभ बन जाएं, जैसे पूज्य गुरुदेव ने अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में बचपन से ही उन्होंने ब्रेल लिपि भी नहीं सीखी। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु होते हुए उन्होंने ब्रेल नहीं सीखा और फिर भी ऋग्वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक संपूर्ण शास्त्र उनकी जीवा पर कंठाग्रह और नर्तन हर समय किया करता है, और उसी सरस्वती की बदौलत और प्रत्येक कक्षा में उन्होंने 99% के अंक अर्जित किए दृष्टिबाधिता के उस दंश को भोगते हुए, क्या ये सारे दृष्टांत नहीं है दिव्यांगों के लिए? क्या ये सारे दृष्टांत नहीं है जो हम जो सारे दिव्यांग मानवता को प्रतिपल ये प्रेरित करते रहे, प्रतिपल ये इस तरीके का स्मरण कराते रहे कि अगर हेलन केलर जी ने ऐसा कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकती हूं, अगर जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी ने ऐसा कर लिया, अपने जीवन को तो बनाया ही, सैकड़ों जीवन को जीविका दिए हुए यहां पर विद्यालय विश्वविद्यालय और सब तमाम प्रकल्प चला रहे हैं, और यही नहीं आप सोच लीजिए कि एक दिव्यांग जो अशिक्षित और कुछ नहीं किया भीख मांग रहा है, वो एक दिव्यांग पूज्यपाद गुरुदेव रहे जो आज 3,000-4,000 दिव्यांग बच्चों को बैठा करके खिलाते हैं, उन्हें निःशुल्क आवास देते हैं, भोजन देते हैं, क्या उनसे प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए दिव्यांगों को कि हम भी ऐसा कुछ कर जाएं, ऐसी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लें, ऐसी शिक्षा प्राप्त कर लें, ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लें जिससे कि हम जीवन में ये पूज्यपाद गुरुदेव की तरफ प्रतिष्ठापित हो जाए, पूज्यपाद हेलन केलर जी की तरफ प्रतिष्ठापित हो जाए और अपने जीवन की सारी समस्याओं को तो दूर ही कर लें, अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने राष्ट्र की मुख्य धारा में एक ऐसे व्यक्तित्व बने जिसे लोग सराहें। आप हेलन केलर जी के जीवन से सभी दिव्यांगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इतना संघर्ष करना है, इतना संघर्ष करके आगे निकलना है कि हमें शिक्षा के द्वारा ही, विशेष करके उच्च शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा इस तरीके के से अपने को सबल बना लें कि हम जितने भी आयाम हैं, चाहे वो टीचिंग का आयाम हो, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज का हो, चाहे वो टीसीएस आईएएस हो, किसी भी क्षेत्र में हम उस तरीके से प्रतिष्ठापित होंगे जिस तरीके से सकलांग होते हैं, और उसका दृष्टांत अब देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चे पीसीएस में आईएएस में सब टॉप कर रहे हैं, सब अच्छे स्थानों पर जा रहे हैं, और विशेष करके हमारे जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद मैं बड़े गर्व से और निसंकोच इस बात को कह रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से दिव्यांग मानवता के कल्याण के लिए भाव जगे हैं सभी समाज सेवियों के और सभी समाज सेवियों संतों और तमाम जो देश के नेता हैं और हमारे राजनेता हैं और हमारे, विशेष करके हम तो यूं कहेंगे कि इसी बीच जब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हुए,
उन्होंने वास्तव में, मुझे जैसे लगता है कि पूज्य गुरुदेव की ही ये प्रेरणा है, परिकल्पना है, तो उन्होंने दिव्यांग मानवता के लिए बहुत ही बढ़ चढ़ करके आगे काम किया है। और आज दिव्यांगों का कोई ऐसा आयाम नहीं है, को 20 प्रकार की कोटियां जो है दिव्यांगों के, सबके लिए चिंतन है, सबके लिए कुछ न कुछ किया जा रहा है। और ये सीआरसी का जो की उद्भावना हुई, वो सच ये है कि 20 प्रकार के दिव्यांगों को हम ढूंढ पावे, उन्हें इकट्ठा करें जिले स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर, और सबको उनकी दिव्यांगता के अनुकूल शिक्षण प्रशिक्षण और उनको उनको चिकित्सा की सुविधाएं दी जाए। निस्संदेह यह सीआरसी लखनऊ, सीआरसी गोरखपुर और प्रत्येक इस तरीके से दिव्यांगों की संस्था जिस तरीके से काम कर रही है, निस्संदेह हमारे दिव्यांग और मल्टी दिव्यांग जो हैं, और साथ ही यूं कहिए कि ये तो विशेष करके दृष्टि बाधित और मूक बधिर और अस्थ विकलांग, ये हमारे प्रमुख दिव्यांगों के लिए तो पहले से भी चिंतन रहा, पहले से भी सोच रही, पहले से लोगों ने कार्य किया। लेकिन जो दिव्यांगों की 20 कोटियां हैं, अब हमारा हमारा सरकारी सरकारी तंत्र भी और हमारा समाज सेवी तंत्र भी, हमारा शैक्षिक तंत्र भी, सारे तंत्र मिल करके इन 20 प्रकार की दिव्यांगता दिव्यांगता के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और निस्संदेह सीआरसी लखनऊ और जिस तरीके से इस तरीके ऐसे आयोजन कर रहा है, इस तरीके के शिक्षण प्रशिक्षण की बात कर रहा है, पुनर्वास की बात कर रहा है, इन सब के द्वारा हम बहुत आशा एवं विश्वास के साथ इस बात को कहना चाहते हैं कि जितनी भी दिव्यांग जन के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं प्रदेश में देश में हैं, जैसे जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय और आपका शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय और जितने भी सीआरसी हैं, जितने भी हायर सेकेंडरी लेवल के विद्यालय हैं, ये सब मिल करके जिस तरीके से दिव्यांग मानवता के लिए भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, उससे निश्चित ही निकट भविष्य में 20 प्रकार के दिव्यांगों की कोटियों का समुचित समाधान मिलेगा, समुचित उनके साथ न्याय होगा, उनकी दिव्यांगता के साथ उनको शिक्षण प्रशिक्षण और चिकित्सा की सुविधा प्रदान करके, उनको समावेशी शिक्षा प्रदान करके, उनको शिक्षा प्रदान करके हम राष्ट्र और समाज की मुख्य धारा में उन्हें जोड़ पाएंगे। हम लोगों को यहाँ आज इस दिन हेलन केलर जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो दिव्यांग मानवता से संबंधित कार्य करने वाले जन हैं, विशेष करके सीआरसी के लोग और हमारे दिव्यांग विश्वविद्यालय के लोग, राष्ट्रीय शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के लोग, निस्संदेह आज के दिन संकल्प लें कि हम सभी दिव्यांग मानवता के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे, उनके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए कार्य करते रहेंगे और दिव्यांगों को भी जो इस पटल से जुड़े हैं अथवा नहीं भी जुड़े हैं, उन्हें ये संकल्प लेना है आज हेलन केलर जी के जन्म दिवस के अवसर पर कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम भी अपनी दिव्यांगता को सकलांगता में बदल करके राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा से जुड़े। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबका मंगल हो। आपने मुझे इस पटल से जोड़ा, यह मेरा सौभाग्य है, वो जो गुरुदेव की कृपा है, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय आपके साथ प्रतिपल है, प्रतिपल जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद आपके साथ है और हम सब विश्वविद्यालय परिवार के लोग सीआरसी लखनऊ के साथ है, दिव्यांग मानवता के साथ है। जय श्री राम। सादर प्रणाम गुरुदेव। निश्चित ही आप सभी के आशीर्वचन से ही दिव्यांग जनों के लिए कुशलतम भावों की रचना करने और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगता के RPWD के अंतर्गत निर्देशित श्रेणियों के क्रम में सेवाओं को सीआरसी लखनऊ निरंतरता से पहुंचा पा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि
से हुई वार्ता के क्रम में उनका आदेश है कि मैं जुड़ूंगा तो जरूर पांडे जी, लेकिन थोड़ा सा विलंब हो रहा है, बैठक चल रही है, तो उस क्रम को देखते हुए मैं अपने स्पीकर आदरणीय राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आज का विषय डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एंड इंक्लूसिव ऑफ पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस, इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। आदरणीय राजीव रंजन सर। थैंक यू नागेश जी। सबसे पहले मैं आज का जो हेलेन केलर डे है उसमें जितने भी हमारे साथ कोलेबरेशन के लिए अभी हमने सुना, जो कि हमारे बीच थे प्रोफेसर योगेश चंद्रा दुबे जी, वाइस चांसलर जेआरडीयू चित्रकूट यूपी, उनको बहुत सादर प्रणाम। एंड आज जो हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे श्री अनिल राजभर जी, जो कि ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर हैं लेबर एंड एम्पावरमेंट उत्तर प्रदेश, उनको भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज के हमारे जो हमारे पैट्रन हैं डायरेक्टर पीडी वन आई पी पीडी मीना कुमारी शर्मा मैडम एंड हमारे डायरेक्टर डायरेक्टर सी आर सी लखनऊ और हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं श्री दास मिश्रा जी जो कि पीआरओ है हमारे, अमित जी, विकास जी, नागेश जी और उदय प्रताप जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके मैं ये धन्यवाद देना चाहूँगा अपने डायरेक्टर, अपने निदेशका, अपने डायरेक्टर सी आर सी लखनऊ और निदेशका पी डी एन आई पी पी डी दिल्ली का, जिन्होंने मेरे को ये अवसर प्रदान किया आज मैं कुछ बोल सकूँ जो कि डीप ब्लाइंडनेस के ऊपर। सो शुरू करता हूँ, मेरी आवाज तो आ रही है सब जगह जी? आज का जो विषय है मैं शेयर कर रहा हूँ, आज का विषय है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट एंड इंक्लूसन फॉर चिल्ड्रन विद पर्सन विद डीप ब्लाइंडनेस। तो आप लोगों को जैसा पता है डीप ब्लाइंडनेस मतलब एक चीज नहीं, दो चीजें होते हैं इसमें साथ में, जो कि एक सुनना और एक बोलना दोनों। तो इस तरह से हम देखेंगे अभी आगे कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या होता है डीप ब्लाइंडनेस और इसके किस तरह से हम इसको आगे बता सकते हैं, इसके बारे में सिखा सकते हैं और इसको कैसे एज ए क्लासरूम सेटअप में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें क्या क्या चैलेंजेज हो जाते हैं। तो ये सारे हम बारी बारी से करेंगे और आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि जुड़े रहें, थोड़ा सा विलम्ब चलेगा, अभी हमारे बीच चीफ गेस्ट भी आने हैं, तो प्लीज बने रहिए और बीच में अपने माइक्स को अनम्यूट मत कीजिए। ओके, सो जैसा कि अभी पावर पॉइंट दिखाई दे रही है जी सर, पावर पॉइंट आ रही है। ओके फाइन, थैंक यू। जैसा कि बताया आज का जो टॉपिक है डीप डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंक्लूसन ऑफ पर्सन विद डीप ब्लाइंडनेस। आते हैं व्हाट इज डीप ब्लाइंडनेस। आप सब लोग जानते हैं ये दो लोगों का दो सेंसरी इम्पेयरमेंट होता है, एक सुनना और एक देखना, ठीक है। तो इसमें ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये दोनों एक साथ होने से इसको हम लोग बोलते हैं डीप ब्लाइंडनेस। अभी आप सब लोग इसमें जितने भी लोग हैं सुनना और देखना, तो ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, इम्पोर्टेंट इनपुट्स है जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन का विकास होता है। अब मान लीजिए कि दोनों नहीं है तो बिट डिफिकल्ट होता है कि हम कैसे इस चीजों को, तो जो भी हमारा समझने और बोलने का तरीका होता है बिल्कुल अलग हो जाता है। इसको हम क्या करते हैं कि जब ये स्पेक्ट्रम है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, और एज पर जयसवाल एट ऑल 2018 उन्होंने क्या बोला कि ये जो कॉम्बिनेशन है आपका देखना और सुनने का, जो इसमें जो रेंज होता है ना, मान लो जो दिक्कतें होती हैं वो आपका मान लो कम से ज्यादा माइल्ड से प्रोफाउंड तक होता है, और सेम में आपका हो सकता है मान लो थोड़ा कम सुनना है और थोड़ा कम दिखना है, लो विजन के साथ में आ गया या 100% ब्लाइंडनेस आ गया, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस हो गया। अभी ये टेक्निकल वर्ड्स है, मतलब माइल्ड, मॉडरेट, प्रोफाउंड। माइल्ड मतलब ये सब जो है कम से ज्यादा, ठीक है, किसी को कम देखना, किसी को कम सुनना, किसी को बहुत ज्यादा, बिल्कुल जो जहाज नीचे से निकल गया ऊपर से निकल गया वो भी नहीं सुनाई देना। देखना बिल्कुल भी आप कितना भी कर लो 100% ब्लाइंड ना,
तो ये हमारा वैरी कर जाता है कि वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। जहाँ कम होता है वहां सीखने सिखाने का तरीका जो है कि बढ़िया होता है, और जो ज्यादा होता है उसमें थोड़ा और मेहनत करना पड़ता है। कि इसमें मोस्टली डीप ब्लाइंड जो है वो चार ग्रुप्स, मतलब चार चीजों से इस तरह से हम करते हैं कि इसका डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है। एक तो आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं रूबेला वायरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जैसे ही आया इसमें हियरिंग और दृष्टि दोनों प्रॉब्लम होना ही होना है। तो एक तो ये हो गया रूबेला, इसको जर्मन मिजल्स भी बोलते हैं। दूसरा है यूसर सिंड्रोम, ये इसमें क्या होता है, इसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी बोलते हैं, इसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें भी दोनों चीजें ये ना हो, ये इतना जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल में होगा, हो सकता है एक ज्यादा हो जाए दूसरा कम हो जाए, तो ये है। और फिर क्या होता है तीसरा में, मान लीजिए हम बात करते हैं कि जन्म से ही दोनों चीजें उनका नहीं है, मतलब जो डेवलप होना था वो नहीं हो पाया है सुनना और देखना। और एक होता है बाद में चल के हो जाना, जब बाद में मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, हाई फीवर हो गया, तो उसके कारण से भी ये चीजें हो सकती हैं। तो ये मोस्टली हम इसमें देखेंगे रूबेला और यूसर्स, ये मोस्टली कॉन्जेनाइटल्स ही हैं, क्योंकि ये जन्म से ही के समय से ही ये कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट कराने भी जरूरी हो जाते हैं। और मान लीजिए बाद में चल के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको रोकने के लिए हमें सावधानी की जरूरत होती है। तो इसी क्रम में चलेंगे। इसमें जैसा मैं बता रहा था इसी को हम बोलेंगे प्रीलिंगुअल और कॉन्जेनाइटल डिफनेस, ठीक है, डीप ब्लाइंडनेस एज वेल एज पोस्ट लिंगुअल डीप ब्लाइंडनेस। इसमें अगेन जो होता है इसका काउजेज जो है, काउजेज जैसा कि मैंने बताया जेनेटिक काउजेज, मतलब वही है कि आपको पहले से आ चुका है, और मेडिकल काउजेज जो कि पोस्ट लिंगुअल होता है, बच्चा जब डेवलप, पोस्ट लिंगुअल मतलब जब भाषा का विकास हो जाता है तब होता है। तो मान लीजिए सर्टेन चीजें, हाई फीवर हो गया, जॉन्डिस हो गया, ये सारे चीजें बोलते हैं ना दिमागी बुखार, ये बहुत खतरा होता है इसमें। और एक और होता है पैरालिसिस या पैरालिसिस, इसमें भी बच्चों के केस में बोल रहा हूँ, बाकी एडल्ट में स्ट्रोक हो गए और जो भी है, मान लीजिए ट्रॉमेटिक टीएम टीबीआई हो गया, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गया, तो ये सारे में बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम हो। और इसमें खास करके जब हम बात करते हैं सुनना और देखना, दृष्टि बधिर दृष्टि बाधित जो बोलते हैं हम लोग डीप ब्लाइंडनेस, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको क्या होता है, मोबिलिटी करने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में, और कम्युनिकेशन संप्रेषण जिसको हम बोलते हैं भाषा का आदान प्रदान करना, और इंक्लूसन एक जगह, तो ये चीजें इनमें बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो अगेन जैसे ही हम जो बात कि ये डीप ब्लाइंडनेस में, तो डीप ब्लाइंडनेस जब होता है तो उसमें मान लो एक बंदा, एक प्रोफेशनल अधिक करता है, तो दैट विल बी अ चैलेंजिंग। इसमें क्या है, इट्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है। इसमें जब हम बात करते हैं असेसमेंट की, इसमें हम बात करते हैं इंटरवेंशन की, इसमें हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन की, तो इसमें डिफरेंट प्रोफेशनल जो है वो इसको अच्छे से करेंगे, अदरवाइज देर विल बी चांसेस। मान लो स्पीच एंड हियरिंग वाला बोला नहीं, सुनना बोलना तो मेरा है, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या उसको मोबिलिटी भी सिखाना है, उसको भाषा का विकास भी करना है, उसको क्लासरूम में इंक्लूस एजुकेशन भी देना है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर, और ये सभी उनमें दिक्कतें होती है, ज्यादा दिक्कतें होती है इसमें। तो ये इसके इलाके, क्योंकि टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन से ज्यादा जुड़ा है, तो जो चैलेंजेज होते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो है वो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एंड मोबिलिटी, ये दो चीजें। तो कम्युनिकेशन क्या है, अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज को, तो व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, इट्स अ टू वे प्रोसेस, जहाँ पे एक लिसनर होता है, एक स्पीकर होता है, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। और जब तक एक सर्कल बन न जाए, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, सुनने के बाद जब तक आप इसको प्रोसेस ना कर ले और फिर अपना इनपुट ना दे दें, तो इट्स नॉट
अ कंप्लीट प्रोसेस। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, जिसमें कि एक आदान प्रदान होता है और हम एक चीज दूसरे को समझते हैं और उसके बाद समझने के बाद फिर से उसको वापस रेस्पॉन्स देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं तो देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ तो यदि आप मेरा वीडियो कैमरा चल रहा होगा, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ अभी अपने आप को, मैं पावर पॉइंट पे हूँ, तो आप जब देख रहे होंगे मेरे को, उसके साथ साथ आप पावर पॉइंट भी देख रहे होंगे, तो चीजें आपके लिए समझने में आसान हो रही है। बट अब जिनको मान लीजिए देखने की दिक्कत है, विजन का इशू है, उनका तो ये एक कट गया, फिर यदि उसके साथ साथ सुनने के भी दिक्कत है तो सुन भी नहीं पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो अपने आप को कैसे समझें और कैसे समझाएं। और जो बंदा बोल रहा है एक दूसरे से, उसको मान लो किसी के साथ बात करना या उससे बात करना है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है उनके लिए कि चीजों को कैसे समझाएं और या तो खुद कैसे समझें। तो इसके लिए आप देखते होंगे कि इनके साथ एक बंदा, एक लोग साथ में होते हैं मोस्टली कि उनको बता सकते हैं। तो ये सारे एडप्टेशन है इसका कि कैसे क्या करेंगे, बट मेजर चैलेंजेस कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, खास करके एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग टू अदर्स मैसेज, मतलब दूसरे से जब हम बात करते हैं तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी, मतलब कितना प्रॉब्लम है उनको, या तो कम है तो ठीक है, वो थोड़ा मान लो कि लाइट ज्यादा कर दिए या थोड़ा एम्पलीफिकेशन डिवाइस दे दिए, हियरिंग एड दे दिए, तो दे विल बी एबल टू टॉक एंड सी एंड कम्युनिकेट। बट जैसे ही ये सीवियर टू परफाउंड होता है, देन ये चीजें अलग तरह से हमें इसको सिखाना पड़ जाता है। अब हम बात करेंगे कॉन्जेनाइटल जो होते हैं और उसमें वो क्या कम्युनिकेशन किस तरह से कर पाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ये इम्पेरेटिव कम्युनिकेशन एंड डिक्लेरेटिव कम्युनिकेशन, इसमें मतलब उनको दिक्कत क्या होता है। इम्पेरेटिव कम्युनिकेशन मतलब मान लीजिए कमांड फॉलो करना हुआ, प्रॉम्प्टिंग हो गया, क्वेश्चनिंग एंड रिक्वेस्ट। प्रॉम्प्ट मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, चलो उठ जाओ, बच्चे को बोलते हैं धीरे से हाथ पकड़ के दिखा दिया या इशारा करवा दिया, क्वेश्चंस पूछ लिया, तो ये सारे क्या है, उनको प्रॉब्लम होती है। बट उनके लिए जो इजी होता है जैसे कमेंट करना, ठीक है, तो ये है, इसमें उनको ज्यादा दिक्कतें होती है। बट सबसे इजी जो है वो उनको डायरेक्ट करना होता है, तो ये सब तीन चीजें प्रॉब्लम होती है, रिफ्लेक्स करना, डिक्लेयर करना, प्रेडिक्शन करना, तो चीजें एक दूसरे से हट जाते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मान लीजिए जो छोटे बच्चे हैं, एग्जाम्पल बोल रहे हैं क्लास हम बोले प्री प्राइमरी, बिफोर सिक्स ईयर्स एंड अबव सिक्स ईयर्स, तो बिलो सिक्स ईयर्स में जितने सारे हमारे डोमेन्स होते हैं जिनका वो रिक्वायरमेंट होते हैं वो तो ईजी है। बट जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हायर लैंग्वेज पे जाएंगे, प्रैग्मेटिक्स पे जाएंगे, तो उनको चीजें दिक्कतें होने लगेगी, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, मल्टीपल डायरेक्शंस हो गए, मल्टीपल कमांड्स हो गए, मल्टीपल वो बोल दिया, प्रेडिक्शंस हो गया कि क्या होने वाला है। सो दीज आर द चैलेंजेस, मोर चैलेंजेस विद द कॉन्जेनाइटल, जो कि जन्म से है। और मान लीजिए इसमें फर्क क्या होता है कॉन्जेनाइटल और सॉरी प्री एंड पोस्ट में, पोस्ट वाले का तो अनुभव होता है थोड़ा कि हमने किस तरह से देखा था, तो जो लर्निंग है वो बेटर हो जाता है कंपेयर टू प्री लिंग्विस्टिक कॉन्जेनाइटल वाले को, क्योंकि उनको हर एक चीज सिखाना होता है। बट समटाइम इट्स अगेन वाइस वर्सा, क्योंकि जो हम बोलते हैं सोशल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है पोस्ट डीप ब्लाइंडनेस में जिनको होता है, क्योंकि पहले वो सब कुछ देख चुके होते थे, सुन चुके होते थे, ग्रुप में जा चुके होते थे, बट जैसे ही ये प्रॉब्लम होता है उसके बाद ये लोग थोड़ा उस चीज को मुश्किल होने लगता है, फैमिली फ्रेंड सर्कल बहुत सारे चीजें होते हैं, तो ये चीजें अफेक्ट करने लग जाते हैं, जो कि आपने अभी इसमें देख रहे हैं ये स्लाइड जो हमारा, ये उनको थोड़ा थोड़ा दूर किया चला जाता है, क्योंकि सोशल जो इंट्रैक्शन है और जो इंक्लूसन है ये बहुत बड़ा मैटर होता है। मान लीजिए अभी मैं बता रहा था फैमिली और अपने, तो ठीक है मम्मी पापा जो भी है प्राइमरी फैमिली मेंबर्स, बहुत कम ऐसे होते हैं आज के डेट में सेकेंडरी फैमिली मेंबर्स या आपके आस पड़ोस की जिनको ये प्रॉब्लम हो जाए उनके साथ उनको अपने आप में इंक्लूड करना, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ये इन्वायरमेंट में ये चीजें दिखते आती हैं। और खास करके मान लीजिए
अभी तो सारे लोग एजुकेट हो रहे हैं, धीरे धीरे वो लोग बोलते नहीं इनको दिक्कतें हैं, इनको पकड़ लो, हेल्प कर लो, क्लासरूम में बिठाओ, मान लो क्लासरूम में जाता है। बट क्या ये चीजें हमारे स्कूल्स में जो सेटअप है, उनमें जो टीचर्स हैं, उनमें जो अलग पेरेंट्स हैं, उनको हमने कितना अवेयर किया हुआ इस चीज के बारे में, वो कितना इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो दैट्स द रीजन ये जो है सोशल इंट्रैक्शन एंड इंक्लूजन में थोड़ा दिक्कतें इनको हो जाती है। फिर जब इनको ये दिक्कतें होती है तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? पहले तो सबसे बढ़िया है कि उनको एड एंड अप्लायंसेस दो, लाइक मोबिलिटी स्टिक दे दो, सोशल इंट्रैक्शन के लिए टॉकिंग टूल्स दे दो, टॉकिंग फोन्स दे दो। या तो क्या होता है उसमें एटलीस्ट वो, यदि आप उनके साथ नहीं भी हैं और वो ट्रेनिंग कर लिए हैं, उनको बता दिया गया है, सो दे आर एटलीस्ट कुछ इंडिपेंडेंसी उनमें आ जाती है और वो अपने आप में कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो है ये तो हमने आपको बताया कि अभी तक उसको आप कैसे समझ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन में अभी आते हैं। अभी आपने इतने में देखा होगा कैसे इसको पहचान करें और कैसे इसमें जाए, क्या क्या चीजें होती हैं। अब क्या होता है जब हम इंटरवेंशन करते हैं इसमें, तो खास करके दो चीजें होती हैं जो कि डेवलप करने हैं, कम्युनिकेशन एज वेल एज मोबिलिटी। क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर अगेन मैंने बोला था टू वे प्रोसेस। तो सॉरी सर, हमारे बीच मंत्री जी जुड़ चुके हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा सर। या नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आदरणीय मंत्री जी आपसे निवेदन है कि आप अपनी तरफ से वीडियो ऑन कर लें। आदरणीय मंत्री जी आपका जुड़ाव हम तक हो चुका है सर, आपसे निवेदन है आप अपनी तरफ से वीडियो ऑन करें। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय अनिल राजभर सर, पूर्व दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री, वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करूंगा, सर अपने तरफ से वीडियो आप ऑन कर लें। आदरणीय मंत्री जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आईडी हमसे जुड़ी हुई है। मंत्री जी आप, वीडियो आपकी एक बार ऑन हुई थी, पुनः फिर ऑफ हुई है, एक बार वीडियो आप पुनः ऑन करें। आदरणीय मंत्री जी अपने निवास से ही, निज निवास से ही आज हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। अभी एक बैठक चल रही थी उसमें से वो पुनः हमारे बीच जुड़े हुए हैं और आज घर से ही इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं, अपने अनुग्रह को प्रदान कर रहे हैं। मंत्री जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपनी तरफ से माइक अनम्यूट करें। जी आ रही है। एक बार वीडियो ऑन करें प्रशांत जी, अगर आप उनके समक्ष हैं। आदरणीय अनिल राजभर मंत्री जी आपका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार अपनी तरफ से वीडियो और ऑडियो आप ऑन करें, जिससे हम विधिवत आपका स्वागत कर आपका अनुमोदन प्राप्त कर सके, आपका आशीर्वचन प्राप्त कर सके। वीडियो एक बार आप अपनी तरफ से ऑन करें सर। सर साउंड नहीं आ पा रहा। आदरणीय मंत्री जी बार बार आपका वीडियो ऑफ हो जा रहा है, आवाज नहीं आ रही। सर आप बोल सकते सर, आप वो है ना, वो बोल सकते सर, वो वीडियो डायरेक्ट बोल सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से ऑन कर रखा है। हेलो पांडे जी, मेरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है क्या? बार बार कट जा रहा है। नहीं नहीं, हमारे तरफ से कोई टेक्निकल एरर नहीं है सर। माननीय मंत्री जी जुड़ चुके हैं, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ कट जा रहा है क्यों? दो से तीन बार वो हमारे बीच जुड़ करके वो वीडियो ऑन नहीं हो पा रही, बार बार वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं।
कुछ ना प्रॉब्लम नहीं है सर, बोल सकते हैं ना? जी जी हाँ मैडम, बोल सकते हैं। सर हमें सुन पा रहे हैं बोया जी? हाँ सुन पा रहे, सुन पा रहे सर। मैं आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर को सादर आमंत्रित करूंगा, सर आप आए और आदरणीय मंत्री जी का स्वागत कर उन्हें उद्बोधन हेतु आमंत्रित। माइक म्यूट है सर आपका, माइक म्यूट। पांडे जी आवाज आ रही है? जी सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और अभी उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री जो कि पहले भी हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं और जब वो दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री थे तब हम लोगों का कई बार उनके ऑफिस में भी अन्य कार्यक्रमों में भी मिलना हुआ। दिव्यांगजनों को लेके हमेशा ही एक पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले, वर्तमान में लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय श्री अनिल राजभर जी का मैं अपने मंत्रालय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, अपने राष्ट्रीय संस्थान और अपने मंत्रालय के समेकित क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ की तरफ से सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बधिरांध जनों की भगवान कहे जाने वाली हेलन केलर और दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ने वाली हेलन केलर का आज जन्म दिवस है और पूरी दुनिया इस दिवस को मना रही है। हमारा मंत्रालय और हम सब मिलके आज इस दिवस पर, इस बहुत महत्वपूर्ण दिवस पर आपको मुख्य अतिथि के रूप में अपने बीच पाकर बहुत ही हर्षित महसूस कर रहे हैं, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। ये कार्यक्रम हम लोग जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के कोलाबोरेशन में कर रहे हैं और उनके माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश चंद्र द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका अभी कुछ देर पहले ही उद्बोधन हुआ, हमारे स्पीकर अभी बोल रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए माननीय मंत्री जी आपका पुनः इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपके प्रति हम सभी अधिकारी कर्मचारियों की ओर से, हमारे जितने पेरेंट्स और पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनके ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी व्यस्ततम समय में से समय निकाला। आपका फिर से स्वागत, आपके प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री अनिल राजभर जी, आपका सीआरसी लखनऊ जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के इस संयुक्त पटल पर बहुत बहुत स्वागत वंदन। मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और अपना आशीर्वचन हमारे बीच रखें। माननीय मंत्री जी, बोया जी माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें। आपकी तरफ से माइक म्यूट आ रहा है सर। सर अनम्यूट है सर मेरा। माननीय मंत्री जी आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो आपका उद्बोधन अपेक्षित है। हाँ सुन रहे सर, सुनवा रहे सर। जी जी हेलो पांडे जी, मुझे लगता है कि मंत्री के टेक्निकल कुछ समस्या हो रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। आप कंटिन्यू करते रहिए कार्यक्रम को, हमें लग रहा है मैं 2-3 बार संपर्क किया फिर कट जा रहा है बार बार। माननीय मंत्री जी 2-3 बार जुड़े हैं कार्यक्रम में। जी सर कुछ टेक्निकल ग्लिचेज हुई जिसके कारण बार बार उनके जुड़ाव के पश्चात भी हम शायद उन्हें नहीं सुन पा रहे हैं। आशान्वित रहूंगा कि पुनः अगर वो हमारे बीच जुड़ते हैं तो उनके आशीर्वचन को हम प्राप्त करें। आदरणीय राजीव रंजन सर आपसे क्षमा याचना के साथ पुनः कंटिन्यू करने हेतु निवेदन सर। आदरणीय के हम लोग बात कर रहे थे इंटरवेंशन की। हमने अभी तक देखा इसमें डीप ब्लाइंडनेस में क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्या मुश्किल होता है। हम बात करेंगे इंटरवेंशन की। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप इसमें जो है किस तरह से किया जाए इनका और कैसे जरूरी है।
तो दो तरह से है, एक तो पहले कम्युनिकेशन जो मेथड्स होते हैं हमारे वो टेक्टाइल एंड नॉन टेक्टाइल एड्स के थ्रू होते हैं। नॉन टेक्टाइल एड्स मतलब टेक्टाइल आप सब लोगों को पता होगा, छू के हम कर सकते हैं, हाथों से टच करके इस पे कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं एक सरल माध्यम से एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मान लीजिए बच्चे को एनिमल्स सिखाना है, एनिमल्स सिंपल में, तो एनिमल्स में टेक्टाइल क्या करेंगे, उसके जो टेक्सचर होते हैं, मान लीजिए लायंस है तो लायंस के आगे का बाल उभरा होता है, तो उस तरह से जो खिलौने होते हैं हमें उसको टच कराना होता है, तो ये हम लोग टेक्टाइल में बोलते हैं। सिमिलरली इसके साथ ब्रेल हो, आजकल बहुत सारे आते हैं उसी शेप में आपके ब्रेल बुक्स हैं, तो ये सारे इस पे हम कर सकते हैं। नॉन टेक्टाइल एड्स में जिसमें कि ये टेक्टाइल्स नहीं होते हैं, तो जैसे कि हम बता रहे थे टेक्टाइल में कि डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है, जैसे आप मैंने बता रहा था कि इसमें आप कैसे उसको उभरे हुए पिक्चर का उभरापन जो ऊपर वाला भाग होता है उसको आप फील कर सकते हैं हाथों से, ठीक है। और दूसरा जो बहुत सारे हैं वो ब्रेल भी है, ठीक है, प्रिंट ऑन पाम बोलते हैं, टेडोमा है जो कि मोस्टली यूज होता है, एंड पिक्टोग्राम जो भी बता रहा था, एंड टेंजिबल एज वेल एज फिंगर स्पेलिंग, ये सारे जो है। और जब भी हम इनको दें ये सारे टेक्टाइल एड्स में, तो इनको जो मान लीजिए जिनको सुनने और बोलने की दिक्कतें कम हो, मतलब कि एडेड हो, एडेड मतलब चश्मा या तो हियरिंग एड लगा के काम कर सकते हो, तो वो सबसे जरूरी है इंटरवेंशन में। ये नहीं है कि हाँ हमें बस डायरेक्ट टेक्टाइल दे देना, डायरेक्ट ब्रेल दे देना, डायरेक्ट ये कर देना, नहीं, हमें सबसे पहले इनके इनको एडेड एड करवाना, मतलब एड एंड अप्लायसेस से देके इनको जितना ये सक्षम हो सके सुनने और देखने के लिए उतना हमें इनको पहले करके देना है, ठीक है। फिर दूसरा जो है आप देख रहे होंगे इसमें डिप, वो एक साइन लैंग्वेज है, इसमें इसको बोलते हैं डिप लाइन मैनुअल अल्फाबेट्स, जो कि टच करके सिखाया जाता है, इससे पार्ट ऑफ साइन लैंग्वेज, ठीक है। इसमें सारे जो लेटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फिंगर टिप्स और पाम के बीच पे टच करके इसको स्पेल किया जाता है। आप देख सकते हैं ए में जो कि आपका थंब जो है उसको टच किया जा रहा है। सो अगेन दिस इज द इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके लिए इसका भी डिसएडवांटेज देखें तो जो हमारे टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस डिप लाइन मैनुअल अल्फाबेट्स आर, तो ये इम्पोर्टेंट है एक चीज, इसमें ये फैक्टर वो सीखना पड़ता है। देन है डेफिनेस एंड मोबिलिटी, पहले मैं बात कर रहा था। अब मान लीजिए कम्युनिकेशन के लिए तो आपने ये दे दिया बातें करने के लिए, बट आने जाने बहुत सारे मैटर इस पे अफेक्ट कर जाते हैं, तो हमसे जो जुड़े हुए हैं जितने पार्टिसिपेंट्स आज और हमारे सोशल मीडिया में देखते होंगे, तो आपने देखा होगा बहुत सारे मोबिलिटी का वीडियो अपलोडेड है हमारे जो OMI श्री विकास मिश्रा जी हैं उनके थ्रू, और आपने देखा वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से किस तरह जो नहीं देख पाते उनको किस तरह से वो अब ओरिएंट करवाते हैं, चीजों को मोबिलाइज करवाते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, पब्लिक प्लेसेस। अब मान लीजिए जो जरूरी है ये मोबिलिटी कहाँ, एक तो जब हम बात करते हैं टीचिंग का, कुछ भी टीचिंग करो तो हम करते हैं सेंटर बेस्ड, करेक्ट, सेंटर बेस्ड, या तो स्कूल बेस्ड होता है या हॉस्पिटल बेस्ड होता है या रिहैबिलिटेशन प्लेस बेस्ड होता है, वहाँ बच्चे को एक कमरे में बिठा दिया जाता है, वहीं पे हम सब करवाते हैं। बट हाउ अबाउट वहां से बाहर निकलने के बाद जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन इन द सेंस अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूटीन में उसी चीज को कैसे उसको जनरलाइज किया जाए, उसको अलग अलग तरीकों से सिखाया जाए। अब मान लीजिए यहाँ पे टेबल पे बैठ के हमने उसको ए फॉर एप्पल ब्रेल से ए सिखा दिया, बट बाहर मान लीजिए कहीं गया उसको चढ़ना है या कहीं देखना है कि ये लिफ्ट है, आगे स्टेयर कैसे है, यदि ब्रेल साइनेज है तो वहां भी हमें उसका ट्रेनिंग देना होगा, हाइट कितना है, किस हाइट तक अपना हाथ ले जाए, कौन सा हाथ ले जाए, तो ये सारे जो है हमारा किस तरह से हेल्प मांगे, उनको किस तरह से अप्रोच किया जाए, सो ये जो है ये हमारे जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो एजुकेटर्स होते हैं, जो इसमें ट्रेंस होते हैं वो करते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम इसको किस तरह से सिखाएं। और अगेन सब एक जो आपका तजुर्बा होता है सिखाने का, जो आपका एक्सपर्टाइज होता है, वो बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि ये जो मोबिलिटी उसमें टच इज द वो है कि कहाँ पे आपको टच करना है, कैसे टच करना है। ये नहीं हुआ कि यहाँ सीधे उसको आके टच कर दिया, उसको पहले पाम पे टच करना है कि हाथ पे टच करना है कि शोल्डर पे टैप करना है कि पीछे बैक पे टैप करना है। सो देर आर मेनी प्रोसेस इन दैट। तो अगेन मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरवेनिंग द डीप ब्लाइंडनेस। और इसके साथ साथ यदि हम मोबिलाइज कर रहे हैं इनको, इसके साथ साथ इनको यदि मान लीजिए ऑफिस से कोई काम कर रहा हो या बच्चा स्कूल जा रहा हो, तो इट शुड बी यू नो जो मैसेज आता है कि ओके नाउ अभी हम कहाँ हैं, गेट के अंदर सॉरी स्कूल के अंदर है, क्लासरूम के अंदर है, तो अगेन दैट मैसेज शुड डिस्प्लेड और वो आवाज आनी चाहिए ओके नाउ यू आर इन द क्लासरूम। तो ये सारे जब हम बात करेंगे क्लासरूम का इंक्लूजन में, वो सारे उसमें आएंगे। अगेन इंक्लूजन, रैंप, टेक्टाइल पाथवे, स्टेयरकेस, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इसमें मोबिलिटी में इनके लिए। क्योंकि कभी कभी हम लोग जब होते हैं बिना कहीं जब अलग जगहों पे जाते हैं, मालूम नहीं होता है, तो हमें देखना पड़ता है साइनेज किधर है, किस तरफ जाना है, कहाँ निकलना है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट अगेन इन मोबिलाइजेशन, क्योंकि मोबिलाइजेशन ये बहुत बड़ा कम्युनिटी में सोशल एक्सेप्टेंस के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ओके, अर्ली इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, अर्ली इंटरवेंशन जो इस तरह के बच्चे होते हैं, मैं भी बात करूंगा सिर्फ डीप ब्लाइंडनेस की, ऐसे कॉमन में हम बात करते हैं जितना भी प्रॉब्लम है बच्चे को, ये तो माइल्ड है मॉडरेट, उसको शीघ्र जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनको हम टुवर्ड्स द फंक्शनल लेवल पे ला सके, मतलब उसको प्रिवेंट कर सके और प्रॉब्लम बढ़े नहीं, तो ये हम अर्ली इंटरवेंशन में करते हैं। तो इनका जो दोनों सेंसरी लॉसेज होता है सुनना और ना, इसको और ज्यादा ना हो जाए, तो जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप बहुत जरूरी है इसको करना। इसके लिए आप सब लोग जानते भी होंगे, खास करके सेंस इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी मैं ये नाम ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने डीप ब्लाइंडनेस में बहुत अच्छा काम किया है, और खास करके इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ यूपी के साथ सर्व शिक्षा अभियान में इनका एक मॉड्यूल आता है कि आपके जितने भी सर्व शिक्षा अभियान में है, मान लीजिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको ये ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद, और ये बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट रहा था और अभी भी ये करते हैं कि आप हर एक जितने हैं वो टीचर्स को ट्रेन करके किस तरह से क्लासरूम उस पे किया जाए। सो आप लोग आप देख सकते हैं गूगल करके सेंस इंडिया को, और किस तरह से ये अलग अलग चीजें करते हैं। तो यूपी में खास करके ये इन्होंने बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट लिया था एंड इट वाज ऑलमोस्ट वेरी सक्सेसफुल। तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस पे काम करती है डीप ब्लाइंडनेस पे। ओके, कमिंग टू एजुकेटिंग डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डीप ब्लाइंड चाइल्ड। ओके, सबसे पहले इस पे क्या करते हैं, सेंसरी डिफिसिट जो भी है सुनना और देखना, इसको हम लोग मैक्सिमम कितना उसको हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं अर्ली आइडेंटिफाई करके ये करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और दूसरा कम्युनिकेशन, क्योंकि जब भी बच्चा एजुकेशन के लिए जाता है तो वो कम्युनिकेट होना जरूरी है कि आज हम करने क्या जा रहे हैं, टीचर्स पढ़ाने क्या जा रहे हैं, आज क्या होने वाला है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर। अगेन जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जो सेलेक्ट करते हैं हम आज क्या पढ़ाएंगे, आज आईपी क्या लेंगे, वो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होना चाहिए और इंडिविजुअल बेस्ड पे होना चाहिए और उसके जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए हमारे कक्षा में चार लोग हैं जिनको ये दिखते हैं, उसके साथ साथ और भी लोग हैं, तो चारों का गोल मान लीजिए हमें तो क्लासरूम में पढ़ाना है, बट गोल्स जो हम लेंगे वो अलग अलग बच्चों के फंक्शनल लेवल को मापने के बाद लेंगे कि उनका बेस लाइन क्या है, उनका बेसिक गोल क्या है, नीड क्या है। हो सकता है मेरा नीड अलग बच्चों से अलग होगा तो उस बच्चे का, बट जब हाँ क्लासरूम बेस्ड होता है वहां में वो नीड एज ए ऐसा प्रैक्टिकली इस तरह से अप्रोच करने होते हैं कि हमारा पार्टिकुलर बच्चे का गोल भी मीट हो जाए और
हमारा क्लास करिकुलम जो हमने आईपी डेवलप किया है वो भी पूरा हो जाए, ठीक है। देन अगेन जो हमारा मेजर फैक्टर्स है कि क्या क्या हम एजुकेशन अच्छा एजुकेशन सेटिंग में दे सकते हैं, वो जानने के लिए कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन कितना दे रहे हैं आप, उसका सेंसरी इंपेयरमेंट्स में कितना विजुअल प्रॉब्लम है, मतलब देखने की और सुनने की शक्ति कितना है, और उसके साथ साथ कोई और दिक्कतें तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारा यदि हमने पहले ही चेक कर लिया तो जब हम गोल सेट करेंगे, जब हम प्लान करेंगे, जब बच्चे को पढ़ाएंगे, तो ये सारे फैक्टर्स जो है उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। मान लीजिए इसके साथ साथ बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत है, पकड़ने में दिक्कत है, ठीक है, एक जगह से मोबिलाइजेशन अगेन दिक्कत है, उसको फिजिकल चैलेंजेज है, तो ये सारे फैक्टर्स हमें पहले लेने होंगे, ताकि ये फैक्टर्स बाद में हम ना बोले अरे ये तो हुआ ही नहीं। तो इसके लिए जब हम अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं, क्लासरूम इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो जो कोई भी बच्चा इस रेंज में आए तो इतना जरूर देखें, जो भी हमारे साथ प्रोफेशनल्स हैं जुड़े हुए हैं, कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जो असेसमेंट फैक्टर्स है वो पूरा कर ले। ये नहीं कि हाँ आपका एक्सपर्टाइज है आपने कर लिया, बाकी आपने बच्चे को रिकमेंड ही नहीं किया, पेरेंट्स को समझाया ही नहीं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर। अब आई क्यू असेसमेंट मान लीजिए हमने सब कुछ कर लिया, आई क्यू देखा ही नहीं, तो एग्जाम्पल आप बोलेंगे नहीं ये डायरेक्टली नहीं हमें अफेक्ट नहीं करेगा, बट सम टाइम क्या होता है जब आप गोल प्लान करते हो तो यू विल नो क्लियर कट बच्चे का क्रोनोलॉजिकल एज डेवलपमेंटल एज तो 4 साल का है, बट इसका मेंटल एज कितना है। यदि आपके पास आईक्यू हुआ रहेगा तो उसमें वो इमीडिएटली बता देंगे कि बच्चे का मेंटल एज कितना है। तो मान लो आपने पहले 4 साल का गोल बना लिया लेकिन बच्चे का मेंटल एज 2 साल का ही है, तो अगेन यू हैव टू टॉप बॉटम उसको नीचे करो, गोल को फिर नीचे करो, 2 साल के लेवल पे लाओ उसको, उस तरह से सिखाओ। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अगेन ये सारे हमें टीचर्स को स्पेसिफिक ट्रेनिंग के साथ देना ही होगा कि वो किस तरह से अपने आप में ये सेंसरी इश्यूज को टैकल कर पाए। अब एक जो नॉर्मल टीचर्स है एग्जाम्पल, और उनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया, उनको पता ही नहीं हम इसको कैसे कोप अप करें, वो तो आएंगे बोलेंगे बोर्ड पे लिखेंगे बताएंगे चले जाएंगे, और ये प्रॉब्लम्स होते हैं जब कोई बच्चा स्कूल जाता है। वो स्कूल में उसको सीधा बोलते हैं पेरेंट्स के आप मेरे बच्चे को तो डील ही नहीं किया जाता, उनको पता ही नहीं है कि कैसे बच्चे को डील करना है। सो दिस टीचर ट्रेनिंग विद स्पेसिफिक ट्रेनिंग विद पर्टिकुलर प्रॉब्लम मस्ट है, ये करने से उनका थोड़ा अच्छा होता है। और फिर जब हम अपना गोल जो बनाते हैं वो गोल होना चाहिए फंक्शनल, ये नहीं कि हम पूरा एकेडमिक ये सब ले रहे हैं, क्योंकि सिखाइए वो भी जरूरी है, बट पहले क्या है कि बच्चे को हमें कम्युनिटी लाइफ मतलब डे टू डे रूटीन के बारे में बताना है, पूरा उसको दिखाना उसको, जितना ये नहीं कि हाँ खाली एजुकेशन में आ रहा है तो मैं वही सिखाऊंगा। इसलिए मैं पहले भी बोला था क्लासरूम के बाहर क्या करना है उसको वो देखना है। तो आप रूटीन और बच्चे का फंक्शनल रूटीन पे होना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल अभी लास्ट वीक की बात है, एक 15 ईयर्स ओल्ड मॉडरेट आईडी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम यहाँ अप्रोच हुआ, उन्होंने बोला बच्चे को बोलना सिखाना है, हम की ओके वेरी गुड फाइन। उन्होंने बोला बच्चा भी कुछ क्या सीखता है, कुछ नहीं बोला। अब उसका नीड 15 साल के नीड में उसको पापा मम्मी बोलना है, खाना पीना है, कि उसको प्री वोकेशनल स्किल्स, उसको अपना लाइफ सर्वाइवल सीखना है। तो ये फैक्टर्स थे, हमने उनको वही बताया कि आप अपना प्री वोकेशन आप इस पे जाइए, बच्चे को जो पसंद है उसके बाद हम अपना कम्युनिकेशन जो होगा उसको हम देंगे, तो बच्चा आपका रिक्वायरमेंट जो उसका जरूरत होगा उससे फुलफिल होगा। यदि अभी उसको फिर से ऐसे पल पापा मम्मा सिखाएंगे सीखेगा भी नहीं, और वो टाइम टेकिंग बॉन्ड है, एज निकलता चला जाएगा। तो ये सारे चीजें हमें देखना होता है कि क्या नीड है, हम क्या करें उसके लिए ताकि उसको अपने आप से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, ये सॉरी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी दूसरे पे आश्रित ना हो, तो ये करना है। एंड देन वन मोर इंटीग्रेशन ऑफ एप्रोप्रिएट एंड रिलेटेड सपोर्ट सर्विसेज। मान लीजिए मेरे पास प्री वोकेशन नहीं, हमने बोला यहाँ पे जाइए आप इस जगह पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, या मेरे पास कान की मशीन नहीं है तो आपको कहाँ से मिल जाएगा, आपको देखने की चश्मा चाहिए तो कहाँ से मिल जाएगा, आपको टॉकिंग टूल चाहिए तो कहाँ से मिल जाएगा। तो ये सारे चीज जो होते हैं आपको टैप अप करना होता है। तो ये चीजें
ध्यान रखनी चीजें। फिर बेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस क्या क्या आप कर सकते हैं उसमें, कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपका अपना प्रेजेंस को बताना होता है, और बच्चे को ये नहीं कि हाँ बच्चों ऐसा नहीं, जो भी आप बच्चे को बता रहे हैं पार्टिकुलर उसका नाम है, उसके साथ जाके उसको आपको बात करना है, इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, ये नहीं कि ये कॉमन है कि अरे तुम तो सुनता ही नहीं है, तुम तो देखता ही नहीं है। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, मोस्ट ऑफ देम दे नहीं करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है निकल जाता है मुंह से एज ए ह्यूमन बींग, तो ये सारे नहीं करने, इनकरेज करना, शाबाश अभी फिर से टाइम ले लो, क्योंकि ये सारे क्या है ना, जब तक आप टाइम नहीं दोगे बच्चों के साथ, खास करके इनको तो दोनों सेंसरी इश्यूज नहीं है, तो हर एक चीज को आप एक नॉर्मल टिपिकल डेवलपिंग बच्चे को लीजिए, यदि आप इनको टाइम नहीं देते हैं तो ये जब इधर उधर हो जाते हैं तो ये तो और आपके स्पेशल नीड है जो कि इनको चाहिए, तो वो करें। और हमेशा ये नहीं कि चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है उतना भी हेल्प नहीं चाहिए, बस आप थोड़ा सा मिनिमाइज करें, हाँ स्टार्टिंग में तो जरूर, बट धीरे धीरे उसको कम करें, फिर इंस्ट्रक्शन वैसा ही दे जिसका उसका जरूरत हो, चीजों को समझाएं, उसको बताएं, मान लो बच्चा अभी आप आउटिंग पे जा रहे हो, डिनर पे या लंच पे या कहीं और, तो बच्चे को उसके बारे में बता दें कि आज हम अभी बाहर जा रहे हैं, बाहर हम होटल्स में जाएंगे या खाने जाएंगे, ताकि उनका एक थोड़ा सा ना वो आराम से वो समझ ले चीजों को, ठीक है। और जो करिकुलम आप बनाते हो, मैं पहले बताया फंक्शनल हो, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और नॉर्मल स्कूल जो होते हैं उसमें जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ इनको इंटीग्रेट करना चाहिए, ठीक है। एटीट्यूड बढ़िया होना चाहिए, यदि बिहेवियर मैनेजमेंट है उसको करना है, ठीक है। आपको ये भी करना है कि उसमें हेल्प चाहिए, कितना चाहिए, तो दिक्कतें हो रही हैं तो टीचर एज ए प्रोफेशनल, एज ए पेरेंट्स, एज ए पीयर ग्रुप ऑफर हेल्प भी करना है। सबसे बड़ा चीज है इसमें तीन चीजें जो कि इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट आपका पहले बोला था सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, इसके जब हम मिनिमाइज करें इसको तो घर से शुरू होता है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना है, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बच्चा स्कूल जाता है, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट है, थेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है अगेन, तो ये जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे आपके करिकुलम में, आपके टीचिंग में, जब तक बच्चे आप बच्चे को नहीं सिखा सकते। फिर इसके बाद जब आपने ये पूरा कर लिया तो ये भी हमें ध्यान देना है कि उसके बाद क्या करना है। मान लीजिए आपके पास 8 तक है क्लास, 10 तक क्लास है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये बच्चा जाएगा कहाँ या पर्सन जाएगा कहाँ, तो ट्रांजिशन प्लानिंग इम्पोर्टेंट है कि हम कितना कहाँ तक इसको दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, एंड देन जो भी आप बात कर रहे हो नॉर्मली करना चाहिए। टेक्नोलॉजी टू यूज डेली लिविंग डिवाइसेस, ये सर्टेन नेम्स हैं आप सब लोगों को पता है, ब्रेल स्लेट्स यूज कर सकते हैं, ब्रेल राइटिंग डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं, रीडिंग एड्स, रूलर्स एंड अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एजुकेशनल डिवाइसेस ग्राफिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, लो विजन एजुकेशनल मटेरियल यूज कर सकते हैं, अगेन मैथमेटिक टीचिंग डिवाइसेज आता है, प्री स्कूल एंड प्राइमरी एजुकेशन डिवाइसेज, तो ये सारे हम एजुकेशनल डिवाइसेज यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें हम बात करते हैं, ऑडियो प्लेबैक इक्विपमेंट, ब्रेल डिस्प्ले, ब्रेल स्टूडियो टाइप्स एंड डुप्लीकेटर्स, क्लोज सर्किट टेलीविजन, ये सारे प्लब एंड इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग डिवाइसेज। इसमें सबसे बढ़िया मैं देखता हूँ या आप लोग भी देखते होंगे, उनके पास एक हेडफोन होता है, सॉरी फोन होता है, फोन पे वो टैप 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 करके वो अपना पूरा कर लेते हैं, SMS करते हैं, वो सुनते हैं उसको, जिनको सुनने में दिक्कत है कम आदि है तो ठीक है, अदरवाइज दे विल आस्क फॉर अदर हेल्प। तो ये सारे चीजें जो है ये आपको इम्पोर्टेंट है, खास करके ब्रेल, ब्रेल सीखना बहुत जरूरी है। स्क्रीन मैग्नीफायर सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है, ये सारे आपका इसको हम लोग बोलते हैं हाईटेक, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, वेब ब्राउजर्स, फॉर्मल विजुअल आउटपुट, स्पीच सिंथेसाइजर जो कि हम पहले से रिकॉर्ड करके उसको आउटपुट कर सकते हैं, तो बहुत सारे चीजें हैं, तो ये सारे जो हैं ये हमें उनको एज ए टूल्स में देंगे। क्लासरूम में जब हम इंक्लूड करते हैं, जब बता रहा था तक तो आपका इंटरवेंशन में था क्या क्या हम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, अब क्या है जब बच्चे क्लासरूम में जाता है सबसे पहले क्या होता है,
अब उसको ये तो पता होना चाहिए कि हमारा जाने आने का दरवाजा कहाँ है, यदि कुछ हुआ तो कहाँ से हमें एग्जिट होना है। तो ये चीजें हमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है सबसे पहले तो। और वहां पे आपने साइनेस दिया है, ब्रेल साइनेस दिया है नहीं दिया, टेक्टाइल पाथवे है नहीं है, तो ये इनकॉर्पोरेट करना है। और दरवाजे के सामने इधर उधर जब भी वहां पे कुछ फैलाए नहीं, कुछ रखे नहीं, वो साफ रहने थे, और आपके सिग्नल साइनेस एंड टेक्टाइल क्लियर होने चाहिए। इन्वायरमेंट आपका पूरा जो दरवाजा, मान लो कि जहां भी है, एग्जाम्पल ऑफिस में है, घर में है, वहां पे आपका ये पूरा साफ होना चाहिए, फैलाया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आदि दरवाजा है तो खुला रहना चाहिए, उसको वो बोलते हैं ना अपने आप फ्लिप नहीं होते रहना चाहिए, या तो खुला रखे या तो बंद रखे, ताकि उसको जब वो मोबिलिटी करके जाए या वो उस पे जाए तो उसको पता चल जाए ये खुला है कि बंद है। क्योंकि आपका टेक्टाइल पाथवे जो है उसका अलग, टेक्टाइल टाइल जब हम लगाते हैं तो जहाँ पे दरवाजे होते हैं दैट इज अगेन डिफरेंट थिंग्स, तो वो हमें देखना होता है। और सबसे बड़ी बात है जब इनको हम बात करते हैं तो सराउंडिंग्स के बारे में हमें सभी जगह बताना होता है कि राइट हैंड में क्या है, लेफ्ट हैंड में क्या है, वॉशरूम कहाँ पे है, तो ओरिएंटेशन जो है वो हमें देना होता है कि कब किस तरह से किया जाए। लाइटिंग, लाइटिंग जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो आपका इंडोर हो या आउटडोर हो, ठीक है। और बोलते हैं फ्लोरोसेंट लाइट्स का यूज नहीं करना चाहिए, उससे और प्रॉब्लम हो जाता है। जैसा पहले बताया था स्टेयर केस पे मार्किंग पूरे अच्छे से होने चाहिए, वो पट्टी आते हैं रेड कलर येलो कलर एज वेल एज टेक्टाइल पाथवे, ताकि उनको पता है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, और उसके हैंडरेल पे साइनेज होना चाहिए। तो ये आपका एनवायरमेंट में जरूरी है ताकि उनको हम आगे मोबिलाइज करा सके। एम्पावरमेंट तो उनको कैसे किया जाए, उनको आप बोल सकते हैं फिंगर स्पेलिंग करने, फिर नेम साइन, फिर आजकल आईडी आते हैं, वो ब्रेसलेट आईडी आते हैं जिसमें वो क्या बोलते हैं आप ब्रेल से वो किया होता है, तो उनको पता होता है। और जो भी बात कर रहा होता है उनके साथ, उनको अपने बारे में या दूसरे के बारे में बताना है, ठीक है। जो मैं बोल रहा था साइटेड गाइड उनको दीजिए, उनको पुश नहीं करना है, पुल नहीं करना है, उसके पास कौन है, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, तो दीज आर द थिंग्स उनको देखना है। और जब भी कुछ इमरजेंसी हो, जब भी कहीं भी एक लेआउट प्लान होता है हमें जाना कहाँ, उस चीजों के बारे में सबसे पहले उन्हें बताया जाए कि कहाँ जाना है, एक्सेस पॉइंट क्या है। सो अदरवाइज जब हम इंक्लूशन की बात करते हैं तो ये सब फेल हो जाते हैं। एंड देन अटेंशन, गेटिंग देयर अटेंशन बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि आप उसको, मैं पहले बता रहा था टैप कहाँ करोगे, या तो पाम पे टैप करो, या बैक पे टैप करो, शोल्डर पे टैप करो, एंड देन यानी कि गए सीधा और बात कर दिए, तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनको पहले समझाना है, उनको देखना है, टैप करना है, फिर बात करना है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर्स है इसमें। अगेन ये भी सीखना है कम्युनिकेशन मेथड्स, जो किस तरह से इसको करेंगे क्लासरूम बेस्ड हो या जब हम करते हैं। तो देखिए हमें एज ए टीचर, एज ए थेरेपिस्ट, एज एजुकेटर, हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम होता है एक घंटे का क्लास है, पढ़ाया चला गया, ठीक है, हमको ये खत्म करना है, हमारा जो बना होता है गाइडलाइंस, हमारे करिकुलम जो बने होते हैं पढ़ा दिया। सबसे पहले तो आप जब क्लास में जाएं या कहीं जाएं तो बच्चे को पूछिए, आस्क, जितना भी आप उनको पूछ सकते हैं ये, क्योंकि उनको आप प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आपको एक बार में बता दिए क्या दिक्कत है, समझ में आ नहीं है, ऑलवेज छोटे छोटे क्वेश्चंस, यानी कि पूरा तीन चार स्टेटमेंट मिला के एक क्वेश्चन दे दिया, इट शुड बी वेरी सिंपल वन स्टेप काइंड ऑफ थिंग, और वो हमेशा पूछना है। फिर उसके बाद जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी आप सिखाने जा रहे हैं, एक्टिविटी दिखाने जा रहे हैं, वो आप कैसे करवाएंगे, कैसे सिखाएंगे, कैसे बताने जा रहे हैं, वो भी उनको पहले प्राइम करना है। हम लोग उसको प्राइमिंग बोलते हैं, वीडियो प्राइमिंग होता है, या तो वर्बल प्राइमिंग होता है, या ऑडियो प्राइमिंग होता है, तो पहले बताना होता है कि आप उसको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर बीच में आप उसको छोटे छोटे ब्रेक्स दें, मतलब 10 मिनट में एक ब्रेक, जितना कैपेसिटी है बच्चे का लेने का, जितना वो अटेंड कर पा रहा है, उसके बाद आपको
एक ब्रेक देना ही देना है. एंड टेक्टाइल साइनिंग इज इम्पोर्टेंट अगेन, अब वो आप उसको नहीं कर सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ इसके साथ मैंने अपना जो भी टॉपिक था आज का उसके बारे में हम आपको कुछ बता पाए हैं. यदि आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सजेशंस है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, ओपन फॉर क्वेश्चंस. नागेश जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस बहुविशिष्ट दिवस पर विधिवत भावों से युक्त होकर के आपने जो अपनी महत्वपूर्ण भाव रखे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर किसी हमारे प्रतिभागी का कोई प्रश्न है, समय तो वैसे कार्यक्रम का लगभग आधे घंटे से अधिक चल रहा है, लेकिन किसी का अगर कोई एक प्रश्न है तो हम लोग प्राप्त करें. जैसा मैं देख पा रहा हूँ सर, उस कड़ी में मैं धन्यवाद की कड़ी की तरफ बढ़ूंगा समय की मर्यादा को देखते हुए. आज के कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े लेकिन उनके आशीर्वचन को हम नहीं सुन पाए हमारे मुख्य अतिथि श्री अनिल राजभर जी को सादर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तीन बार प्रयास भी किया लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण नहीं जुड़ पाए. सर आपको पुनः पुनः धन्यवाद. मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के कार्यक्रम के चेयरपर्सन प्रोफेसर योगेश चंद दुबे सर, वाइस चांसलर जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट का. मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारी पेट्रॉन्स आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैम, निदेशिका पीडीयू एनआई पीबीडी न्यू दिल्ली का. मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ का. मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता स्पीकर श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ का. मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ विश्वविद्यालय की तरफ से कोऑर्डिनेशन को प्रबुद्धता प्रदान करने वाले श्री सूर्य प्रकाश मिश्र जी का, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट का. मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ प्रोग्राम के सभी कोऑर्डिनेटर श्री अमित कुमार सर, विकास मिश्र सर, उदय प्रताप सिंह सर का, जिन्होंने कार्यक्रम को विधिवत भावों में कोऑर्डिनेट किया और सभी प्रतिभागियों के समक्ष रखा. तथा मैं बारम्बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने धैर्य पूर्वक आज के कार्यक्रम को सुना, जाना और आज के कार्यक्रम से एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी परिणति को लेकर के आगे बढ़ने हेतु हम सभी तत्पर और तैयार हुए हैं, जहां पर एक दिव्य मंत्र सीआरसी लखनऊ के द्वारा हम सभी को आज प्राप्त हुआ है कि संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है. लक्ष्य को प्राप्त करना है और आगे बढ़ना है तो संघर्ष को स्वीकृत करना होगा, संघर्ष को साथ लेकर चलना होगा. इन्हीं भावों के साथ आप सभी का दिन शुभ हो. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. सभी को सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम.